हेलो क्लास फिफ्थ, वेलकम टू लर्न विद जेनिथ गुरु। तो मैं शाली मैम फिर से आ गई हूँ आपके नए चैप्टर का पार्ट टू में पढ़ाने के लिए। चैप्टर का नाम आप लोग बच्चों देख जान ही रहे हो क्या है, डज इट लुक द सेम। क्या है? डज इट लुक द सेम। अब आप मुझे एक बात बताओ बच्चों, क्या आपको पता है इसका मीनिंग क्या है, डज इट लुक द सेम? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम कोई भी चीज ले लो, ठीक है, किसी भी चीज का ले लो। मान लो मैंने ये पेपर ले लिया, जस्ट लाइक पेपर ले लिया, ठीक है, या पेन ही ले लिया, पेपर ले लिया, ठीक है। इसको अगर मैं मिरर के सामने रखती हूँ तो क्या ये सेम दिखता है? इसका सेम दिखेगा? सेम यही चीज, अगर ये पेन है और इसको मैं मिरर के सामने, जस्ट लाइक कि मिरर तो जान ही रहोगे आप सभी के घर में शीशा वगैरह यूज तो होता ही होगा ना, आप लोग रेडी होते हो तो शीशे के सामने ऑलमोस्ट सबके घर में होता है। तो अगर कोई भी चीज़ अपने अलावा कोई भी चीज़ रख लो, आपके घर की कोई भी चीज़ हो, आप उसको शीशे के सामने रख दो, क्या वो सेम दिखेगी? तो आपका आंसर क्या होगा? यस मैम, दिखेगी। एग्जैक्टली यही चीज़ मैं भी कहना चाहती हूँ, दिखेगी, सेम दिखेगी जो चीज़ आप मिरर के सामने रखोगे। ओके, तो वही सारी चीज़ें हैं कि वो चीज़ कैसी दिखेगी। मान लो ये पेन सीधा मैं पेन के सॉरी शीशे के सामने रख रही हूँ, तो क्या ये सीधा ही दिखेगा या उल्टा दिखेगा, या कौन से शेप में दिखेगा, या किस तरीके से दिखेगा? बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। और ये चीज़ें ना हम डेली मर्रा की ज़िंदगी में, जस्ट लाइक कि हम हर रोज़ कुछ ना कुछ एक्टिविटी हमारा कुछ ना कुछ चलता है ना। चैप्टर स्टार्ट होने से तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें को देखते हैं, बट हम उसको बहुत ज़्यादा उसको डीपली जाके सोचते नहीं है कि अरे ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, बट हाँ ये होता है। ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान से सोचनी और समझनी चाहिए। इसीलिए ये एनसीईआरटी का हर एक चैप्टर आपको नए तरीके से चीज़ों को समझाने की कोशिश करता है, हर एक चीज़ के पॉइंट को एक्सप्लेन करता है। सेम वही चीज़ है जो आज हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो आज हम इस पार्ट में सबसे ज़्यादा क्या कवर अप करेंगे कि कोई भी चीज़ हाफ मिरर या हाफ, कोई भी हाफ चीज़ है तो क्या सेम दिखेगा, दोनों हाफ चीज़ सेम होगी, बहुत सारी चीज़ें इनसे रिलेटेड जो हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। तो चलिए आप लोग रेडी हो? मैं तो बहुत रेडी हूँ आप लोग को समझाने के लिए, क्योंकि मुझे ये चैप्टर बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे समझने में भी अच्छा लगता है और समझाने में भी बहुत मज़ा आता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ मिनट, हाँ यहाँ मैंने फास्ट यहाँ से हम पार्ट बी स्टार्ट करेंगे। पार्ट ए का ऑलरेडी वीडियो बन चुका है। यहाँ पे है वैंकी हैज़ मेड अ रेड एंड वाइट शेप। वैंकी क्या कर रहा है, मेक कर रहा है कौन सा, रेड एंड वाइट शेप। से ये देख रहे हो ना, ये क्यूब्स टाइप के शेप्स बने हैं और ये रेड और वाइट के कॉम्बो पे बने हैं, ठीक है। ये जो किए शेप्स, क्यूब्स तो आप लोग जान ही रहोगे, आई नो सबके घरों में खेलने के लिए होता है, दिस इज़ वेरी गुड, मुझे भी अच्छा लगता है खेलना। मेक अ लाइन ऑन अ वाइट बॉक्स वेयर यू विल कीप अ मिरर टू गेट दैट शेप। लुक एट हाउ द लाइन इन ड्रॉ द फर्स्ट बॉक्स टू गेट द पिक्चर नेक्स्ट टू इट। ओके, देखो सेम वही चीज़ बताया जो मैंने अभी आपसे बात की है। वैंकी ने ये शेप्स बनाया, ठीक है। अब इस शेप्स का कुछ ऐसा पार्ट है जो मिरर के सामने, मिरर हाफ के सामने रख रहा है, हाफ पार्ट, ठीक है। और सेम वो हाफ पार्ट कैसा दिखता है मिरर हाफ मिरर में, ये चीज़ आपको यहाँ पे हमें बतानी है। वो कैसे दिखेगा, किस साइज में दिखेगा और किधर से उसने कट करके रखा है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। जैसे कि आप लोग बच्चों मान लो कि एक मिरर है, ठीक है, उस मिरर का कोई भी पार्ट, आप कोई भी घर का कोई भी चीज़ ले लो या कोई भी पार्ट ले लो, आप मिरर के सामने रख रहे हो, ठीक है। तो वो दोनों चीज़ सेम कैसी, मतलब मिरर के जो आप लिए वो तो वो दिख ही रही है, मिरर में वो कैसी दिखती है, ये चीज़ें हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये शेप्स हैं, ठीक है। अब वैंकी क्या करता है, मिरर के सामने रखता है। तो मिरर के सामने ये देखो, अब इसका हाफ पार्ट रखता है तो कैसे रखता होगा, ये देखिए। अब हमें ये पता कौन सा चलेगा कि कौन सा वाला पार्ट है, तो जब हम यहाँ पे देख रहे हैं ए वाले साइड्स में, तो ए में देखते हैं तो ये वाला दोनों साइड रेड रेड है। ध्यान से देखना आप लोग सेम इसी साइज को, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ, ठीक है। अभी आप लोग इसे देखो, पूरी फोकस इस अपनी बुक पे करना, ठीक है। जब हम यहाँ से यहाँ तक इसे हाफ पार्ट करते हैं बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इसमें से कौन सा पार्ट है, तो पहले हम चीज़ों को एनालाइज करेंगे, इक्वलिटी देखेंगे कि कौन सी चीज़ इक्वल है।
अगर ये रेड है तो ये भी रेड है, अंडरस्टैंड? नेक्स्ट दिस वन ऑल्सो, ये भी ये है, ये भी रेड है, ये है, ये है, ठीक है? तो ये कैसे हाफ बना होगा? ये भी आ रहा है, ये वाला एरिया भी आ रहा है, ये भी एरिया आ रहा है, तो इसने क्या किया, यहां से लेके इसको इस तरीके से हाफ कर दिया। अगर हम इस पार्ट को हिडन कर दें, मतलब छिपा दें, और सिर्फ इतने पार्ट को हम मिरर के सामने रखें, तो ये पूरा पार्ट बन के आएगा। ओके, तो यही पार्ट हमें फाइंड आउट करना था। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखो ये बी है, ठीक है? अब बी में ऐसा ये मिरर हाफ यहाँ पे रखा गया है, ठीक है? अब यहाँ से ये हाफ रखा गया, तो चलिए पहले इसका हाफ पार्ट पहले ही कर लो, ताकि आपको समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाए, ठीक है? हमने इसका हाफ कर लिया, अब भी स्केल के थ्रू खींच लेना और उसका हाफ पार्ट कर लेना। अब हमें ये पता है कि इतना तो मिरर हाफ है और इतना पार्ट हमारा रखा गया मिरर के सामने, और इसमें इसी पार्ट्स का उठा के रखा गया। तो पार्ट्स को पहले मैच करते हैं, ये वाले साइड्स और ये वाले साइड्स आया, दोनों इक्वल है, हाँ सेम यही चीज़ है, हाँ ये भी है, ओके ये सारी चीज़ें यहाँ तक हैं। नाउ ये कहाँ से कट ऑफ हुआ है, यहाँ से, दिस इज दिस, ठीक है? अभी यहां से ये कट होते हुए मिरर हाफ बना है, ठीक है? अगर इस वाले पार्ट को हिडन कर दे, जस्ट लाइक छिपा दे, और इतने पार्ट्स को हम मिरर के सामने रखते, तो क्या होगा, हमारा ये वाला पार्ट बन के आएगा, ठीक है? अगर आपके घर में ये सारी चीजें हैं तो आप एक्टिविटी में भी कर सकते हो, आपको बहुत मजा आएगा, इंटरेस्टिंग है ये। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, सी। अब हम सी वाले पार्ट पे चलते हैं, ठीक है? यहाँ पे हम देख रहे हैं ये सी का है, ये है। अब इसका ये हाफ है, कैसे है हाफ, चलिए करते हैं। ये ना इधर मिड से गया होगा, एक सेकेंड, ठीक है, हो गया। अब उसके बाद जब हम ये वाला पार्ट देखते हैं, तो ये वाला पार्ट कितना है, ये भी ये रेड सेम है, ये भी सारी चीजें हैं, ये भी है, ये भी है, और ये भी है, और ये भी है। तो मतलब कहाँ से कट ऑफ हुआ है, यहां से, ठीक है? इतना पार्ट रखा गया, अगर इतने पार्ट को हम यहाँ पे रखेंगे तो सेम मिरर में ये वाला पार्ट इक्वल हमें दिखेगा, अंडरस्टैंड? चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये है डी वाला पार्ट। अब डी वाला पार्ट मिरर हाफ कैसे किया गया है, चलिए मैं आपको ये बताती हूँ। देखो ये है, अगर हम इस पार्ट को हाफ करते हैं जस्ट लाइक दिस, ठीक है? हमने क्या किया, हाफ कर दिया। अब इस वाले पार्ट से हम एनालाइज करेंगे कि कौन सा पार्ट मिरर के सामने रखा गया है, तो चलिए किया जाए। देखो पहले ये है इसका, मतलब इधर से है दिस वन, वन टू, ओके। नाउ दिस एंड दिस वन इज ऑल्सो, इसको किया गया है इस तरीके से, इसको हाफ रखा गया है, ठीक है? चलो अब आगे चलते हैं। ई पे सेम वही चीज, ई वाले पे है। अगर इसको ऐसे हाफ करते तो कैसे होगा, चलिए देखिए, इसी का हाफ है ये, ठीक है? इस तरीके से इसका हाफ हम करेंगे। तो हमने सारे के सारे का मिरर हाफ 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 करके देख लिया कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। इनमें से कोई एक क्वेश्चन जरूर बच्चों आपसे पूछा जाएगा कि कैसे किया जाता है, ठीक है? तो आप इसे अच्छे से समझना। आगे का है हमारा क्वेश्चन यहाँ पे, हाफ अ टर्न, हाफ अ टर्न। वंस देयर वॉज अ किंग, एक बार क्या हुआ, किंग ने
ही वॉज अपसेट बिकॉज थीव्स किप्ट स्टेलिंग कॉस्टली ज्वेलरीज फ्रॉम हिज लॉकर. ही इज अ वॉट इज अ लॉकर लॉक लाइक. ओके, एक बार था कि राजा बहुत ज़्यादा अपसेट था. क्यों अपसेट था? क्योंकि कुछ चोर आते थे और उनके उनके जो लॉकर थी ना, जैसे होता है ना राजा महाराजा की बड़ी बड़ी लॉकर्स होती है जिसमें गहने पैसे सब रखे जाते थे. तो क्या हुआ, कुछ चोर आए और उनके लॉकर से सारी कॉस्टली जो ज्वेलरी, मतलब महंगी महंगी ज्वेलरी और मनी सब लेके चले गए. तो राजा बहुत ज़्यादा परेशान था कि ऐसा क्यों बार बार हो रहा है. वो लॉकर को लेके बहुत परेशान था. तो उसने क्या सोचा, ही लुक लाइक, हाँ, और दूसरी चीज़ है कि ये जो लॉकर था ना इस तरीके से दिखता था. ये लॉकर देख रहे हो आप लोग, इस लुक लाइक दिस, मतलब इस तरीके से दिखता था. ठीक है, अब आगे बोल रहा है, द लॉकर कुड बी ओपन बाय गिविन इट्स हैंडल हाफ अ टर्न. अनदर हाफ अ टर्न द लॉकर वुड लुक वुड बी लॉक्ड अगेन. ओके, यहाँ पे ये बोला जब लॉकर को थोड़ा सा हाफ खोला जाता था तो लॉकर खुल जाता था, और थोड़ा सा और ज़्यादा उसको घुमाया जाता था तो वो लॉक हो जाता था, जो कि यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है. द किंग वुड ऑफ्टन लीव द लॉकर ओपन थिंकिंग इट वॉज लॉक्ड. कैन यू गेस द रीजन. अब क्या होता था, किंग ने क्या करता था, किंग को ये लगता था, एक सेकेंड, हाँ, किंग को ये लगता था कि मैंने तो जब वो लॉकर खोलता था तो उसको लगता था कि मैंने तो जैसे कि कोई भी चीज़ है, ठीक है, सेम चीज का बना है, अगर उसको आप घुमाओ तो पता भी नहीं चलता कि हाँ घुमा है कि बंद है. समझ रहे हैं आप, वो आगे मैं बताऊंगी कि क्या प्रॉब्लम होती थी. तो किंग को ये प्रॉब्लम होती थी कि जब मैं लॉकर तो बंद कर देता हूँ तो लॉकर से चोरी कैसे होता है किंग को ये उधर. और कभी कभी होता था किंग को लगता था कि लॉकर बंद है, दिखने में लगता था कि बंद है और वो बंद होता नहीं था. और जब बंद नहीं है तो नॉर्मल सी बात है, कोई भी चुरा सकता है लॉकर से पैसे, है ना. तो ये प्रॉब्लम किंग के साथ हो रही थी. अब ऐसे क्यों हो रही थी मैं आपको अभी बताती हूँ, चलिए वो आगे हम पढ़ेंगे. देखिए, किंग ओपन, आप देखो ये है लॉकर, ठीक है, ये है लॉग लॉकर, ये है ओपन लॉकर. अगर बच्चों आप बाहर से देखते हो, ध्यान से देखना दोनों दोनों लॉकर को, कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये लॉक्ड है और ये ओपन है, बिकॉज आपको तो कुछ आइडिया नहीं है. क्योंकि अगर सामने से देखो तो सेम डिज़ाइन यहाँ पे भी दिख रही है और सेम डिज़ाइन में कोई चेंजिंग नहीं है, यहाँ से भी दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि हमारा लॉकर लॉक्ड है. आप लोग मेरी बात समझ रहे हो, ऐसा लगेगा कि लॉकर तो लॉक्ड है, बट लॉकर तो लॉक्ड ही नहीं हुआ है. आई बात समझ में आप लोग को, क्यों? क्योंकि सेम डिजाइन है, अगर ये घूमेगा भी तो भी वो वही कलर आएगा जो कि हमें दिख रहा है, मतलब ओपन में भी और जो दिखेगा हमें लॉक में भी. समझ में आया? ये चीज मान लो, ठीक है, मान लो ये चीज है, अगर इस चीज को हम ऐसे घुमाते हैं, ऐसे घुमाए, ठीक है, तो ये घूम के सिर्फ वहीं पे आएगी और यहाँ येलो, यहाँ तो कोई फर्क ही नहीं है, समझ में नहीं आएगा कि कौन सा कलर है और कौन सा कलर नहीं है, और पता भी नहीं चलेगा कि ये लॉक्ड है कि ओपन है. तो कंफ्यूजन वाली बात हुई कि नहीं बच्चों? मुझे तो कंफ्यूजन हो जाती, क्योंकि मोस्टली हम लोग भी घर में देखते हैं ना, जो हमारे घर के लॉकर्स होते हैं ऐसे जस्ट लाइक घुमाने और राउंड करने वाले, अगर हमें उसे चिपका भी देना तो हमें नहीं पता चलेगा कि वो लॉक्ड है या ओपन है, है ना. सबके घरों में ऐसा होता होगा. वही चीज यहाँ पे कंडीशन प्रॉब्लम, सोच लो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी. अब आगे होता क्या है, वन डे हिज क्लेवर डॉटर गेव हिम एन आइडिया विच ही लाइक वेरी मच, नाउ ही नेवर गॉट कंफ्यूज. वन डे क्या हुआ, जो राजा की डॉटर थी, डॉटर मीन्स जो उनकी बेटी थी, उन्होंने क्या, वो बहुत ज्यादा क्लेवर थी, मतलब चतुर थी, उसने एक आइडिया दिया विच लाइक वेरी मच नाउ ही नेवर गॉट अ कन्फ्यूज. एक बहुत अच्छा आइडिया दिया जिससे राजा कन्फ्यूज नहीं होगा कि वो लॉकर उसने बंद किया है या ऑफ किया है. समझ में आया? अब वो आइडिया क्या था, चलिए मैं अब आपको बताती हूँ. यहाँ पे था, ये देखो ये लॉकडर है. कैन यू गेस वॉट द आइडिया वॉज, क्या आप गेस कर सकते हो आइडिया क्या है? नहीं आप गेस नहीं कर सकते, तो चलिए मैं बताती हूँ. आइडिया ये है, इसकी ये डॉटर थी जो, उसने क्या किया, अगर ये वाला ब्लैक कलर का एक कलर लगा दिया लॉकर के ऊपर जो होता है ना घुमाने वाला, ये वाला पार्ट, इस पे क्या किया, यहाँ पे उसने ब्लैक कलर से कलर लगा दिया और उसने ये बोला अगर ये ब्लैक कलर ऊपर आता है, ठीक है, घुमाने में अगर ये ब्लैक कलर ऊपर आता है तो मतलब ये ओपन है. समझे बच्चों आप लोग? और यही ब्लैक कलर घुमाने में नीचे आता है, मतलब ये क्या है, लॉक्ड है. कितना इंटेलिजेंट वाली बात हुई,
है ना, इससे कंफ्यूजन भी नहीं होगा कि हमारा लॉकर बंद हुआ है कि नहीं बंद हुआ है, और हमें बार बार चेक करने की भी जरूरत होगी, और हमारे घर में चोरियां भी कम होंगी। तो राजा को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। ठीक है, यहाँ पे ब्लैक लगा, अगर ऊपर है तो ओपन है और नीचे आया तो लॉक्ड है। अंडरस्टैंड? द किंग डॉटर आस्क द किंग टू पुट अ डॉट ऑफ वन ऑफ द येलो ब्लेड्स। ओके, येलो ब्लेड्स में उन्होंने डॉट बना दिया। द किंग हैड मैनी सच लॉकर विथ अ डिफरेंट हैंडल्स। अब क्या होता है, वो तो सो प्रॉब्लम उसकी सॉल्व हो गई। अब दूसरी बात यहाँ पे ये आती है, जो किंग है ना, किंग के पास सच लॉकर था डिफरेंट हैंडल। किंग के पास बहुत सारे, अब किंग है बड़े बड़े राजा महाराजा, उनके पास तो बहुत सारे लॉकर्स हो सकते हैं, उनकी तो बात ही मत पूछो, है ना। तो अब उनके पास ना बहुत सारे लॉकर्स थे। अब प्रॉब्लम यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, चेक इफ ऑन अ गिविंग देम हाफ ऑफ टर्न ही कैन गेट कंफ्यूज विद दिस टू। अब क्या होता है कि वो चेक कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इसको हाफ ऑफ टर्न करने पे कि वो ओपन है या क्लोज है, वो कंफ्यूज है। क्यों? चलिए मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। ये देखो, ये पिक्चर बनी है, दैट विल डू द सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर ईच ऑफ दिस। ओके, ये सारे लॉकर्स हैं बच्चों, ठीक है, किंग है जिनके पास ये सारे के सारे लॉकर्स हैं, जिनके सामने का ये डिजाइन से शेप्स है। अच्छा, एक चीज आप लोग मुझे बताओ, मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या आप लोग इस लॉकर को देख के, इनमें से कोई भी ले लो, नॉट पर्टिकुलर वन, कोई भी ले, पर्टिकुलर कोई भी ले लो आप, ठीक है, उसमें से आप मुझे एक चीज बताओ कि कोई भी ऐसा लॉकर है जिसको हमें, अगर हम यूज करें और हमें ये पता चल जाए कि हाँ हमारा लॉकर तो लॉक्ड है, कंफ्यूज है। मान लो फर्स्ट वाले को लेते हैं, ठीक है, अगर हम फर्स्ट वाले लॉकर को ले रहे हैं, अगर हम इसको बंद करते हैं तो हमें क्या पता चलेगा कि ये ओपन है या क्लोज है, पता चल जाएगा कुछ? क्योंकि अगर हम इसको ऐसे घुमाते हैं तब भी यही साइन दिखेगा, उल्टा घुमाते हैं तब भी यही साइन आएगा, और तिरछा घुमाते हैं तब भी यही साइन आएगा, तो कन्फ्यूजन होगी कि नहीं? तो ये भी कन्फ्यूजन वाला है। सेकेंड वाला, ये जो स्टार शेप में बना है, मान लो ये लॉकर है, हम इसको ऐसे घुमा के लॉक करते हैं, घुमाएंगे तब भी वही शेप आके खड़ा हो जाएगा, हमें पता चलेगा एकदम सामने से देखने में कि ये लॉक है कि ओपन है? नहीं पता चलेगा, इसमें भी नहीं पता चलेगा। ये वाले लॉकर में बच्चों सेम वही चीज, इसमें भी नहीं पता चलेगा, इसको भी जिस वे में घुमाओगे वैसे ही घूमेगा और सेम शेप हमें दिखेगा, कोई चेंजिंग नहीं लगेगी, ठीक है। फोर्थ वाले में सेम वही सारी प्रोसीजर, जिस तरीके से आप घुमाओगे सेम वही सारी चीजें शेप्स में दिखेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। यहां तक तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलो, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, सेम आफ्टर वन हाफ टर्न। यहाँ पे लिखा है, गेस विच ऑफ द शेप्स बिलो वुड लुक द सेम आफ्टर हाफ ऑफ टर्न। कौन सा ऐसा शेप्स है जिसको हाफ टर्न होने पे सेम दिखता है, ठीक है। यहाँ पे एक बॉय है, उसके दो दो टाइप से उसके शेप्स, मतलब उसको कन्वर्ट किया गया, फर्स्ट में वो सीधा खड़ा है और सेकेंड वाले पिक्चर में उल्टा है, तो सेम दिख रहा है? नो, कैसे? अब उल्टा ही है ना, इधर इसकी हाथ उगे इस पैर ऊपर, इसमें पैर नीचे, हाथ ऊपर, डिफरेंस तो है ही ना, सेम चीज दिखे वो अलग होती है, और दोनों का डिफरेंस मानते हैं। अब हम फर्स्ट वाले पे चलते हैं, तो ये कौन सा शेप है बच्चों? स्क्वायर। कौन सा शेप है? स्क्वायर। तो अब यहाँ पे बोला है हाफ ऑफ टर्न, अगर हम स्क्वायर को हाफ ऑफ टर्न करते हैं, मतलब ऐसे है ये स्क्वायर शेप और इसको हम घुमा के ऐसे रख देते हैं, ठीक है, एक स्क्वायर शेप ऐसे है, अगर इसको हम उल्टा घुमा देते हैं, हाफ ऑफ टर्न कर देते हैं, मतलब आधा घुमा देते हैं, तो क्या ये सेम रहेगा? यस, सेम ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। सेम वही चीज रेक्टेंगल है। क्या है? रेक्टेंगल। अगर हम रेक्टेंगल के शेप्स को उल्टा घुमा देते तो क्या सेम वही रहेगा? हाँ, ये भी वही सही रहेगा। सर्कल, ऑब्वियसली सर्कल तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि हर तरीके से तो वो इक्वल है, कोई भी हाफ लो, टर्न लो या फुल टर्न लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसका भी वही रहेगा। ये है, एक रेक्टेंगल का ही शेप है, ठीक है, इसको इस तरीके से रखेंगे तो वो भी सेम ही रहेगा। ट्रायंगल, ट्रायंगल का हाफ टर्न सेम रहेगा? नो, अगर ट्रायंगल को हाफ टर्न करते हैं तो ये ट्रायंगल ऐसा हो जाएगा, उल्टा, ये सीधा है, ये उल्टा होगा, उल्टा होगा तो इक्वल होगा? नहीं, तो ये रॉन्ग है। अब ये होगा, हाँ ये हो सकता है सेम, इस चीज को क्या ये होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि मान लो हम इसका हाफ टर्न लेते हैं तो ये आ जाएगा इस शेप्स में, समझ रहे हैं आप लोग, इस शेप्स में आ जाएगा, तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब ये सीधा है, ये उल्टा हो जाएगा, तो ये हाफ टर्न नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हम बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व किए। अब आगे है, डू यू फाइंड द डिफिकल्ट टू टेल
आगे है, डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू टेल इफ यस देन देयर इज अ सॉरी देयर इज अ वे टू चेक योर गेस हियर शो हाउ यू कैन डू इट। ओके, यहाँ पे हमें कुछ एक्टिविटी टाइप का करने को बताया गया है, चलिए मैं बताती हूँ कैसे। टेक एनी वन ऑफ द शेप्स, आप कोई भी शेप्स ले लो अपने अकॉर्डिंग, जो आप मतलब आया तो पेपर पे बना के एक ले लो या घर पे बनाने के ले लो, कोई भी घर का ही, मतलब घर पे भी कभी कुछ ऐसा रखा है तो उसी शेप्स को उठा के ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोला है, टेक एनी वन ऑफ द शेप्स, आप कोई एक कोई वन ऑफ द शेप्स ले लो, ट्रेस इट्स आउटलाइन ऑन अ शीट ऑफ पेपर, अब उसे ट्रेस करो, क्या करना है, ट्रेस करना, ट्रेस मीन्स ऐसे जस्ट लाइक, देखो इन्होंने पेपर लिया इस लड़की ने, ठीक है, पेपर लेने के बाद उस पर एक शेप बनाया, कौन सा शेप है, ये रेक्टेंगल का शेप है, अंडरस्टैंड। उसके बाद ये क्या कर रही है लड़की, उसको ट्रेस कर रही है, काट रही है, सेम उसी शेप्स को क्या कर रही है, काट रही है। उसके बाद बोल रहा है, नाउ कीप द शेप्स ऑन इट्स आउटलाइन गिवन द हाफ ऑफ टर्न, अब उसी शेप्स को हाफ ऑफ टर्न करो, ठीक है, सी इफ द शेप्स फिट्स इन द आउटलाइन, तो क्या वो आपका शेप आउटलाइन के फिट होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, अगर आप ये वाला शेप ले रहे हो मान लो, ठीक है, मान लो इन्होंने यही शेप्स लिया, ठीक है, अब इसका हाफ टर्न मतलब उसका उल्टा करोगे तो क्या ये बनेगा, हाँ ये ले लेगा, उसी का सेम कवर अप कर लेगा, ठीक है। अगर आप ये है ए, ठीक है, फॉलो, चलो उस बाकी की छोड़ो बच्चों, मान लो आप ए लेते हो, ठीक है, ये है आपका ए, ए वाला पार्ट हो गया, अब इस ए वाले पार्ट का हमने को हाफ ऑफ टर्न लेना है, तो ये साइड इक्वल और ये साइड इक्वल होगा, तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों, हाँ होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें मान लो लेना है यू, क्या लेना है बच्चों, यू, अगर यू का हाफ ऑफ टर्न कर दे तो ये होगा, एग्जैक्टली होगा। इस तरीके से इन सब के सारे एग्जाम्पल्स बनते हैं और सेट होते हैं कि कैसे किसका हाफ ऑफ टर्म लेने पे क्या बनता है, सेम आता है या उससे डिफरेंट आता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अकॉर्डिंग, जैसे जैसे क्वेश्चंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही वो सारी चीज़ें फिट, सारी चीज़ें फिट होती हैं। उसके बाद आता है प्रैक्टिस टाइम, अब हमने सारी चीज़ें पढ़ी, हाफ ऑफ टर्न क्या होता है, मिरर हाफ क्या होता है, अब हम उस सारी चीज़ों को लेके हम क्या करेंगे बच्चों, प्रैक्टिस टाइम, मतलब प्रैक्टिस करेंगे, उनके कुछ एग्जाम्पल्स दिए होंगे, उन्हें हमें सॉल्व करना होगा, ठीक है, क्योंकि देखो हम कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, कोई भी चैप्टर न्यूली कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं, तो पहले हम उस चैप्टर से कैसे रिलेटेड चीज़ों को समझते हैं, उसकी मीनिंग क्या होगी, उसके करने का वे क्या होगा, सारी चीज़ें समझते हैं, है ना। आई नो आप लोग चीज़ों को ऐसे तो नहीं है कि क्वेश्चन दे दिया और आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ऐसे तो होता नहीं है, पहले समझो कि ये होता कैसे है, जो कि मैंने आज आपको पूरी तरीके समझाया कि हाफ ऑफ हाफ क्या होता है, हाफ पार्ट को देखेंगे तो कैसा दिखता है और मिरर हाफ क्या होता है, हमने ये दोनों चीज़ों को आज कवर अप किया। अब हम अगले वीडियो में क्या कवर अप करेंगे बच्चों, अब उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, समझ में आई आप लोग को बात, अब जो भी हम आगे स्टार्ट करेंगे उन्हीं चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन को समझेंगे कि हाफ ऑफ टर्न क्या होता है और उसके बाद मिरर हाफ क्या होता है, ठीक है। अब जितना मैंने आपको पढ़ाया आप उसे घर पे बैठ के आराम से देखो समझो, और होपफुली आपके घर में सभी के घर पे मिरर होता है ना, तो आप मिरर पे भी कुछ ऐसी चीजें एक्टिविटी करो और देखो कि हाँ ये हाफ दिखता है या कैसा दिखता है, शेप्स कैसा बन के आता है, आपके सामने तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो एक बार करो। उसके बाद हम चलेंगे कहाँ पे, प्रैक्टिस टाइम पे, कि एक्चुअल में अब होता दिखता कैसे, हर एक चीज से रिलेटेड हम क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए अभी आप लोग प्रैक्टिस करिए, अगला वीडियो मैं जल्द से जल्द डालूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।